गुड इवनिंग बच्चों, आपका स्वागत है ऑनलाइन क्लास है भाई राजा सर। आज हम आपको दशमलव संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना सिखाएंगे, इसका पार्ट फर्स्ट। 4.6225 का धनात्मक वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो ध्यान देंगे 4.6225, एक जोड़ा, दो जोड़ा, तीन जोड़ा। दो का भाग देंगे, दो ही बार पाड़ा पड़ेंगे, दो दूनी चार, ठीक है। कुछ बच्चे जोड़ने में कंफ्यूज हो जाते हैं तो कि दो दो जोड़े ऐसे, तो हम यहाँ प्लस करके दो लिख देंगे और दो चार हो जाएंगे। यहाँ घटाया इसको तो जीरो बचा, हमने 6 2 उतार लिए दशमलव की संख्या, तो यहाँ पर हमने दशमलव लगा दिया। जब दशमलव का अंक उतारेंगे तो दशमलव लगाएंगे। अब चार का हम छः में भाग देंगे तो एक बार जाएगा, एक हम यहाँ लिख देंगे, तो 4 1। अब वन को हम फिर प्लस करके यहाँ लिख देंगे तो 4 2, इधर घटाया तो 1 2, फिर हमने अंक उतारा 2 5। अब 4 का हमने 21 में दिया तो 5 बार गया, 5 हमने यहाँ लिख दिया, 5 यहाँ लिख दिया, 5 5 25, 5 9 10 दो बार, 5 4 20 21, तो 2.15 हुआ ये वर्गमूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दशमलव 0.00053361 का वर्गमूल ज्ञात करना है, इसको भी हम लिखेंगे 0.00053361, एक जोड़ा, दो जोड़ा, तीन जोड़ा, चार जोड़ा। तो जीरो में देंगे तो जीरो का तो जीरो ही आएगा, दशमलव की संख्या है। अब हम इसमें देंगे तो हम यहाँ लिखेंगे 2 2 2 4, 1 हमने अंक उतारा 33। अब 2 को हम इसमें जोड़ दें तो प्लस 2 4 हो गया, 4 का हम इसमें भाग दें तो 4 3 12 होता है, तो 3 3 9 और 3 4 12, तो हमने 3 यहाँ लिखा, 3 यहाँ लिखा, 3 3 9, 3 4 12, 3 में से 9 गए 4, 61। अब 3 को यहाँ प्लस 3 करके जोड़ेंगे तो 4 6, 46 का 46 में एक बार गया तो एक यहाँ लिख देंगे, एक यहाँ लिख देंगे, ये तो सीधा सीधा हो गया। तो हमारा आंसर रहा 0.231 आंसर। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0.9 का धनात्मक वर्गमूल दशमलव के निकटतम दो स्थानों तक ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे 0.9। अब हमें
निकटतम दो स्थानों तक निकालना है, निकटतम दो स्थानों तक निकालना है। तो हम यहां इसको गणित, इसको हम जो है तीन स्थानों तक निकालेंगे, तीन स्थानों तक निकालेंगे। तो हम जोड़े बनाएंगे, एक जोड़ा, दो जोड़ा और तीन जोड़ा। तो ये जीरो है तो जीरो पहले रख दो, दशमलव लगा दो। अब यहाँ है 90, तो हम 9 9 81। यहाँ से दस में से एक गए, 9 बचे, हमने 00 का अंक उतार लिया। यहाँ प्लस 9 किया तो 18 हो गया। अब 18 5 18 95 होते हैं, लेकिन 5 लिखेंगे तो संख्या बढ़ जाएगी, तो 4 लिखेंगे। 4 4 16, 4 4 16, 4 8 32, 1 33, 4 1 4 3 7, 4 4 16, 4 8 32, 33, 4 1 4 3 7। हमने घटाया 4, 9 में से 3 गए 6, 8 में 7 गए 1, 4 करके हमने जोड़ा 881। तो 18 9 162, तो 9 9 81, 9 8 72 2 7, 9 9 81, 9 8 72 80, 9 81 हासला 9 8 72 80 हासला 8, और 9 8 72 8, 80, 8, 9 9 8, 17 ज़्यादा हो जाता है, तो हम यहाँ 8 बार देंगे, 8 8 64, 4 6, 8 8 64 और 6 70, हासिल 7, 8 8 64 और 7 71, हासिल 7, 8 1 8 और 7 15, घटाएंगे 6 9 2 1। अब हम लिखेंगे यहाँ 0 10 9 4 8। अब दो स्थान तक निकालना है, और तीसरे स्थान पर यदि 5 6 7 8 9 होता है तो एक मान के आगे बयान में जोड़ देते हैं, यदि 4 3 2 1 होता है तो उसको जीरो मान लिया, उसको छोड़ देते हैं। तो हम निकटतम मान लेके लिखेंगे तो 0.95, ये आंसर हो गया।